अभी हमारा शुरुआत हो चुका है दोस्तों। और एक चीज बताऊंगा दोस्तों, अभी हमारा के एक्सचेंज, कल से हमारा के एक्सचेंज में आप लोग डिपॉजिट वगैरह, फोन डिपॉजिट वगैरह कर सकते हैं कल से। थोड़ा काम चल रहा था, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम जिसमें एरर आ रहा था, वो एरर को चेक करने के लिए एक दिन में थोड़ा सा बंद किए थे। लेकिन आज भी थोड़ा सा एरर क्लियर कर रहे हैं, तो आज भी कल से आपको वो सब क्लियर हो जाएगा। कल से आप लोग कर सकते हैं, जो भी मेन मेन एरर था सब क्लियर हो चुका है, इसलिए कल तक आप फोन डिपॉजिट वगैरह कर सकते हैं। और पहले से जो डिपॉजिट किए थे उनका भी बैलेंस कल से देना चालू कर देगी, कॉइन खरीदना थे खरीद सकते हैं। हमारा के एक्सचेंज भी दूसरे एक्सचेंज जैसा ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। थोड़ा वो जो चेंजेस हमारा सहूलियत की सबसे थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है, बाकी कुछ नहीं। बाकी आप बाहर का जो भी एक्सचेंज देखे होंगे उसके जैसा ही है। हमारा बीसीडी एक्सचेंज किया, हमारा हमारा खुद का एक्सचेंज है बीसीडी एक्सचेंज भी, वो क्या लोकल एक्सचेंज है, उसमें सीखने के लिए उसमें हम लोग चेंजेस किए हैं डैडी जी ने। नहीं तो बाकी तो आपके एक्सचेंज बाहर के एक्सचेंज जैसा ही है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। ये हो गया हमारा एक्सचेंज की बात, बाद में हम बात करेंगे। अभी हमारा कल आने वाला है माइनेट्स, माइनेट्स का मदर टीम आने वाला है। मदर 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 रेफरल बोलते हैं डैडी इसको, मदर रेफरल इसके लिए बोलते हैं। ये हमारा अभी तक जो चल रहा था क्रिप्टो करेंसी में चल रहा था, कीबो में, कीबो एक चीज ही अलग है, और अभी जो माइनेट्स है ये अलग है, वो क्रिप्टो करेंसी के साथ है। और ये माइनेट्स जो है हमारा टोटली बैंकिंग सिस्टम से चलने वाला है, इसलिए बैंकिंग सिस्टम से चलने वाला प्रोजेक्ट है हमारा। इसके लिए डैडी जी का कहना है कि ये पूरा प्रोजेक्ट अलग है, और इस प्रोजेक्ट को बैंक कैसे चला रही है, बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हमको चलना है। तो उसके हिसाब से डैडी जी का कहना है कि कुछ लोगों को डैडी जी ने अभी आज भी कुछ लोगों का आया था, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग अचीवमेंट किए हैं, उनका सिलेक्शन किया गया है। जितने लोग को आज भी सिलेक्शन किया गया उन सभी को मेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ, और उनको कंग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ। उन सभी लोगों ने पहले से मेहनत किए थे, तो इसके लिए उनको उनका नाम आ चुका है। तो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, और उसमें भी कोस्ट हमारे कुछ लोग हैं और कुछ लोग पार्टिसिपेंट भी होंगे, तो उन सभी लोग को मैं कंग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग चुना गए, आप लोग को चुना गया है कि आपके एरिया में आपको कैसे काम करना है, क्या करना है, उसके बारे में कंपनी फिर से बात करेगी आप लोग को पर्सनली फोन करके। उससे पहले कंपनी का डैडी जी का कहना है कि हम पहले कल जैसे मदर मदर ट्री मदर रेफरल दे देंगे, उसके बाद हम कस्टमर क्रिएट करेंगे, क्योंकि कहीं पे भी हमारा कस्टमर नहीं रहेगा तो वहां पे वेंडर रह के कुछ फायदा नहीं है। इसके लिए यूज करना है, क्या करना है, सब सिखाया था लोगों को। तो वैसे ही हमारा पहले हमारा कम्युनिटी बनेगा, कम्युनिटी बनने के बाद आप लोग से बात किया जाएगा, जितने लोग को चुना गया है उन सभी से बात किया जाएगा कि आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, उस काम को बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, वो सारा चीज आपके साथ बात करेंगे डैडी। तो ये एक मैसेज था आप सभी लोग के लिए, तो ये थोड़ा सा बात करना था। और कल से हमारा माइनेट्स का रेफरल आ रहा है, तो सभी लोग रेडी रहिए, और अपना अपना टीम से बात करके रखिए। और बाकी किसी से भी आप पहले, आपका कल मदर टीम शुरुआत हो जाएगा, जैसे हमारा कीबो में पहले मदर टीम बनाए थे लोग, ऐसे ही मैं चाहूंगा कि सभी लोग फिर से मदर टीम बनाए। और डैडी जी का कहना था कि अब सभी लोग को फिर से मौका मिला है, सभी लोगों को फिर से आप एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। तो कीबो का हिस्ट्री लोगों ने क्रिएट किए थे, तो उनका नाम अभी भी लिया जा रहा है। ऐसे ही माइनेट्स के अंदर आप भी ऐसे हिस्ट्री क्रिएट कीजिए, तो आपका नाम भी। दोस्तों, जो माइनेड है और सेविंग अकाउंट दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। जो हमने सेविंग अकाउंट में वर्क किया, 500 रुपये से आईडी एक्टिव की, उसके बदले हमें क्वाइन मिली। जो इसने जिसे हमने रेफर किया, टीम बनाया, उससे भी हमें क्वाइन मिली। लेकिन जो माइनेड है यह एक अलग प्रोजेक्ट है। इसमें जो सेविंग अकाउंट में हमारी टीम है वह काम नहीं आएगी, वो अकाउंट नहीं होगी, इसमें हमें अलग से टीम बनानी होगी। यह ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ हमारी कंपनी जा रही है। तो यहाँ पर जो अभी एक डिजिटल करेंसी पर वर्क की वो में हमने सेविंग अकाउंट में काम किया, अब जो माइनेड है यहाँ पर हम ट्रेडिशनल यानी जो हमारे पारंपरिक व्यवसाय हैं उसकी तरफ हम जा रहे हैं। जो हमारे दैनिक जीवन की चीज़ें हैं माइनेड से
वे चीजें मिलेंगी। तो उसमें केवल कीवो से इतना कनेक्शन होगा कि जो हमारी सेविंग अकाउंट में सेलेबल क्वाइन जो हमें मिली हुई है वह वहां पर यूज होगी। तो दोस्तों जो माइनिड है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें आप जितनी बड़ी टीम बनाएंगे आपका इनकम उतनी बड़ी होगी और यह लाइफ टाइम इनकम होगी। तो उसमें जो मदर टीम होगी उसके लिए कल रेफरल लिंक आएगा और उसमें और बहुत से रेफरल लिंक बाद में धीरे धीरे करके आएंगे, शॉप का, ट्रैवल का, एजेंसी का, वेल्डर का, वेंडर का, जो भी तमाम उसमें रेफरल लिंक आएंगे बाद में। तो वो जो माइनेट वह उसे यूज कर सकता है। तो जो अभी आएगा वह पहले कस्टमर के लिए आएगा, यूजर के लिए आएगा और वह मदर टीम के लिए होगा और इसमें 25 लेवल तक इनकम होगी। इसमें कुछ का अभी आगे पता चलेगा कि मतलब मदर लाइन से 25 लेवल तक इनकम होगी कि 15 लेवल तक इनकम होगी या और किससे 25 लेवल तक इनकम होगी, ये सारी चीज़ें अभी कल तक क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों जो माइनेड है इसमें आप जितनी अधिक टीम बनाएंगे वह उतने ही ज़बरदस्त आपको इनकम होगी। दोस्तों अभी जो के एक्सचेंज में इरर या बक्स आ गया था उसको कंपनी ने सॉर्ट आउट कर लिया है कल से देने के लिए, आज को देने को ये बोला था लेकिन अभी भी उसमें कुछ वर्क चल रहा है, वह कल तक क्लियर हो जाएगा और कल से लोग अपना फंड डिपॉजिट करके क्वाइन बाई कर सकते हैं या जो लोग पहले से डिपॉजिट किए हैं उनका फंड उन्हें मिल जाएगा और वे लोग अपनी वहाँ पर क्वाइन बाई कर सकते हैं और जो अपनी क्वाइन को वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपनी क्वाइन को सेल पर लगा सकते हैं, बाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होने वाली है। तो दोस्तों के एक्सचेंज और दोस्तों जो सबसे ज़बरदस्त प्रोडक्ट अभी इस समय चल रहा है के ओ टी टी की पावर को समझिए दोस्तों। आपको हर महीने की 1 तारीख को 3 सेलेबल क्वाइन आ जाती है आपको। तो दोस्तों अभी जो आपने टीम बनाया था सेविंग अकाउंट में वहां पर आपको साल में सेलेबल क्वाइन आती है, बट यहां पर दोस्तों आपने जो एक बार ओ टी टी लिया तो आपको हर महीने 100 दिन के बाद हर महीने 3 क्वाइन आपको रिलीज हो रही है जिसे आप बीसीटी में ले जाके बेच सकते हैं। तो दोस्तों यह ओटीटी का जो है बहुत ही ज़बरदस्त है और इसमें आपको स्टेकेबल क्वाइन भी मिल रही है, अगर आप टीम बनाते हैं तो एमपीसी भी मिल रही है और इनकम भी हो रही है। तो दोस्तों जितना अधिक आप क्वाइन कलेक्ट कर लेंगे उसका आप ज़बरदस्त बेनिफिट ले सकते हैं आगे चलकर। जो लोग सेविंग अकाउंट में ज़्यादा मेहनत किए, ज़्यादा बड़ी टीम बनाए, आज वे लोग उसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो दोस्तों आपके लिए भी अवसर है कि आप वर्क करें ओटीटी में और अधिक से अधिक टीम बनाएं, क्योंकि दोस्तों ये आने वाला समय कीबो में बहुत ही आपको बिजी करने वाला है। जैसे अभी जैसे माइनेट आ जाएगा हम वहाँ पर बहुत ही बिजी होने वाले हैं और ओटीटी चल रहा है तो दो ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है और आपको यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है ओटीटी से और माइनेट से भी बहुत ज़बरदस्त इनकम होने वाली है। तो दोस्तों जय हिंद, जय कीबो।